हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, अलग अलग चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ, आपके फिशेस के बारे में, आपके पेट्स के रिलेटेड बारे में। तो आज हम फीड करने वाले हैं लाइव फूड। लाइव फूड में हम वॉर्म देने वाले हैं या चिकन देने वाले हैं, हम देखेंगे। आप वीडियो में बताऊँगा कौन से नुकसान हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सा हम फीड कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट है। उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट है आपकी फ़िशेस के लिए। सबसे पहले लाइव फूड क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी फ़िशेस के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट उस फिश के लिए, एग्जांपल मॉन्स्टर फिश के लिए, बड़े फिशेस के लिए। छोटे फिशेस लाइक मोलीस हो या आपकी गप्पीस हो या आपकी गोल्ड फिश हो, इसकी छोटे मोटे फिशेस है, उसके लिए आप चिकन ही दे सकते हैं, आप वाम नहीं दे सकते, बड़े वाले नॉर्मल फूड ही दे सकते हैं। लेकिन मॉन्स्टर फिशेस क्या है, ये नेचुरल से बिलोंग करती है। मॉन्स्टर फिश काफ़ी बड़ी होती हैं और वो जो नेचर से बिलोंग करती है वहाँ पर क्या करती हैं, ये लार्वा खाकर या इस तरह के क्रिकेट्स, इस तरह के जो लाइव फीड है उसको हंट करके खाती है। ये इनके ब्लड में होता है। जब घर में लाते हैं तो आप पैलेट देते हैं, पैलेट अच्छा फूड है, लेकिन एक ही पैलेट्स फूड पे आप साल भर रखना अच्छी बात नहीं है। फिशेस इससे बोर हो जाते हैं और अच्छा स्टैंड नहीं दिखा पाते, कलर नहीं दिखा पाते। इसलिए कहते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड देना ज़रूरी है, लाइक लाइव फूड भी देना है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन या 2 बार जो है लाइव फूड देना ज़रूरी है, ताकि आपकी फ़िशेस का अच्छा ग्रोथ हो, आपकी फ़िशेस को जो हाई फैट जो फूड मिले, ताकि उनकी प्रोसेस जो है कलर डार्क होने में अच्छा हेल्प हो, और ब्रीडिंग में स्पेशली उनको हेल्प होता है कि लाइव फूड में ये क्या होता है, बहुत बेस्ट होता है फूड। अब नॉर्मल प्लेट्स में ही आप ब्रीडिंग सक्सेस करने से बहुत मुश्किल है और लेस चांसेस है। अगर लाइव फूड के साथ आप, जैसा कि आप बहुत सारे लोग देखे होंगे, डिस्कस फूड रखते हैं या आप मॉन्स्टर फिश रखते हैं या सीजलेट्स होते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं ज़्यादातर पर एनिमल हार्ट या नॉर्मल फूड देकर ही उनको ब्रीड करते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हेल्थी फूड हो तो हेल्थी बेबीज़ भी आते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी फिशेस को हेल्थी और हैप्पी रखना चाहते हो तो ज़रूरी है उनका फीड का भी ध्यान रखें। और फीड में एक ही फीड जैसे बेटर है कि आप वैरायटी ऑफ फूड देते रहे, कि एक वेजीज, नॉन वेज, वेजिटेरियन फूड सब आप मिक्स करके दे सकते हो। तो लाइव फीड में आप चिकन सबसे पहले माइंड में आता है, चिकन क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता है, तो चिकन बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, ये पानी को गंदा कर देता है, पानी को स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप इसको फीड करते हैं तो पानी को ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, और इसका कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 200-250 से मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फीड मत करो, फीड करो, लेकिन इससे क्या होगा, पानी गंदा होगा। जब भी आप फीड करो तो पानी चेंज करना ही पड़ता है। तो उससे बेस्ट फूड में आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, जो ईजिली अवेलेबल होता है और लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो। चिकन जो आप देखिए, मैं 1 घंटा पहले लेके आया, तभी ये सूख गया है, सूख कर अभी ये अकड़ गया, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आप इस्तेमाल रख नहीं सकते आपकी फ़िशेस के लिए। लाने के बाद इमीडिएटली आप अपनी फ़िशेस को देना पड़ेगा। लेकिन लाइव वॉर्म जो है आपको, जो प्रोमील की तरफ से मिल रहे हैं बहुत सारी जगह पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, आपको हर जगह अवेलेबल हो जा रहा है, हर जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये आज ट्रेंडिंग चल रहा है, हर कोई इसको पसंद कर रहा है। प्रोमील का जो फ्लिपकार्ट अमेज़न में मिलता है, होम डिलीवरी भी हो जाती है। इसको क्या कर सकते हो आप, बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हो। आप ये अपनी फ़िशेस को फीड करें तो आपकी फ़िशेस को हेल्थी फूड है, न्यूट्रिशन फूड है, और इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन और फैट है, जिससे आपकी फ़िशेस को बहुत हेल्प होगा फास्ट ग्रोथ करने के लिए, डार्क कलर दिखाने के लिए और ब्रीडिंग सक्सेस होने के लिए। और साथ में इसको आप स्टोर भी कर सकते हो बहुत दिन के लिए, और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आप पानी के अंदर डाल रहे हो, फिशेस खा ली, तो स्मेल नहीं आएगी। इवन अगर ये अनरिटर्न फूड जाकर नीचे भी पड़ गया तब भी स्मेल नहीं आएगी, आप उसको निकाल कर फेंक दो, बस उतना ही है, और फिशेस बहुत अच्छे से इसको खाना पसंद करेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, इसको डेली फीड नहीं करना है। अगर डेली फीड करेंगे तो आपकी फिशेस इसकी अडिक्ट हो जाएगी, फिर नॉर्मल पैलेट्स खाना बंद कर देगी। इसलिए हफ्ते में 2 बार ही या 2 दिन ही आप इसको फीड करना है। तो प्रोमील की कंपनी की तरफ से आपको लाइव मिल जाएंगे, सुपर मिल वाम्स या ड्रेड भी मिल जाएंगे, जो चाहे आप अपनी फिशेस को दे सकते हो। लाइव जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर लाइव नहीं दे सकते तो आप ड्रेड भी लेकर दे सकते हो। आप, डर लगता है घर के अंदर लाइव रखने के लिए, कोई घर में बच्चे डरते हैं या आप डरते हो, तो आप ड्राई मिल भी रख सकते हो। लेकिन फिशेस के लिए अगर बेस्ट कौन सा पूछे, तो हफ्ते में 2 बार जो है आप मील वाम, सुपर मिल वाम दे सकते हो। अगर आपकी फ़िशेस छोटी हैं तो उनके लिए आप मील वाम मंगा सकते हो, अगर आपकी फ़िशेस बड़ी है तो सुपर मील वाम मंगा सकते हो। बेस्ट फूड है न्यूट्रिशन विथ, इसके अंदर जो है एक मील वाम्स के अंदर एक अंडे से ज़्यादा जो है उसके अंदर प्रोटीन और फैट होता है। तो चलिए देखते हैं फ़िशेस का रिएक्शन कैसा होता है हमारी फी इसको। तो आज जो है मैं अपनी सारे फ़िशेस और सारे टर्टल्स को मैं फीड करूँगा, वो फीड करके दिखाऊँगा मैं। सीटलेट टैंक को नहीं, सीटलेट टैंक का थोड़ा और टाइम लगेगा अपडेट लाने के लिए, क्योंकि वो रूम में पड़ा है तो मैं दिखा नहीं सकता। तो अभी हमारे जो आरवाना है इनके लिए और सारे टर्टल्स के हम फिट करके दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह ये कैच करते हैं। देखिए खा लिया, देखिए
बहुत ही पसंद करते हैं। और इसमें एक देखिए पैरट फिश आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लैक डार्कनेस हो चुका है क्योंकि ये दोनों मिलके ब्रीड कर रहे हैं, अंडे लेकर हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों को ये रख नहीं पा रहे, इसलिए दूसरों को हट करने की कोशिश कर रहे हैं और डरा के रखें, जिसकी वजह से ये ब्लैक स्पॉट थोड़ा आ चुका है। अभी मैं इसको अलग कर दूंगा वीडियो के बाद। देखिए आरोना को भी फिट कर दें। देखिए देखिए अभी आरोना खाएगी इसको, देखिए खा ली। काफ़ी अच्छा फूड है आपके फिशेस को। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा पानी के अंदर गंदगी आ रही है, थोड़ी बहुत आएगी लेकिन अच्छा फिल्टरेशन सिस्टम हो तो वो चला जाएगा, लेकिन बदबू ऐसा कुछ नहीं आएगी। देखिए और एक डालता हूँ। देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं। आप चाहे तो छोटे वॉर्म्स में आते हैं वो भी दे सकते हो। वो थोड़ा डार्क हो गया, देखिए ये दूसरी फिशर, ये दोनों है ना ब्रीड करके अंडे लेके हैं, जिसकी वजह से ये इसको दोनों को डरा के रखे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इसको बाद में अलग कर देता हूँ ब्रीडिंग सक्सेस, उनकी ब्रीडिंग ख़त्म होने तक। कहाँ गया और एक? अच्छा दूसरी फिश ने खा लिया, पता ही नहीं चला। देखिए इसको डरा के रख रहे हैं, एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए ब्लैक हो गया, कल से ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों अब मिलकर अंडे दे दिए, जिसकी वजह से किसी को आने नहीं दे रहे करीब में। ये नेचुरल बिहेवियर रहता है, थोड़े दिन के लिए बाद में सही हो जाएगा। तो अभी फ्लोहान को फिट करते हैं। देखिए एक मिनट में खा गई वो। तो अभी देखें मैं टर्टल्स को फीड करने जा रहा हूँ, देखते हैं टर्टल्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए तीनों बास्किंग कर रहे हैं, हमेशा बास्किंग करते रहते हैं, तो इनको मैं फीड कर रहा हूँ। एक्चुअली इनको पानी में डालना पड़ता है क्योंकि ये बगैर पानी के स्वैलो नहीं कर सकते, ये एक्वाटिक रेप्टाइल होते हैं जिसकी वजह से विदाउट वाटर जो है ये स्वालो नहीं कर सकते। तो देखिए अभी ये खाएंगे। तो बस इतना ही, आराम से आप फिट कर सकते हो अपनी फिशेस को, अपने टर्टल्स को। ये मेरा संडे का ट्रीट था, आज संडे है तो मैंने संडे में मैंने इनको ट्रीट दे दिया। तो आप भी अपने फिशेस को, अपने टर्टल्स को इस तरह की संडे ट्रीट दे सकते हो। अभी आप डायरेक्ट ऑर्डर करके मंगवा सकते हो सुपर मिलवा मिलवाम्स कोई भी चीज़ को, अमेज़न से फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। या आप डायरेक्ट वेबसाइट पर ऑर्डर करते हैं, वहाँ से आपको और अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा विद फास्ट डिलीवरी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।